राजस्थान में गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जा रही है। हाल ही में आप सभी को बता दें कि सीकर से आज एक वीडियो सामने आया है जिसमें स्कॉर्पियो सवार के ऊपर बदमाश आते हैं और फायरिंग करके फरार हो जाते हैं। आप सभी को बता दें कि पहले तो स्कॉर्पियो सवार की गाड़ी को टक्कर मारी जाती है थार से और उसके बाद में उसकी गाड़ी के ऊपर फायरिंग की जाती है, लेकिन वह अपनी जान बचा करके जैसे तैसे डीएसपी ऑफिस पहुंच जाता है। और इसी के चलते हुए अब आखिरकार क्या कुछ मामले का खुलासा हुआ है और क्यों फायरिंग की गई, इन सभी की तमाम जानकारियां दिखाएंगे हमारी ये रिपोर्ट में। जमीनी विवाद को लेकर के स्कॉर्पियो सवार प्रॉपर्टी कारोबारी पर थार में आए 5 से 6 बदमाशों ने 4 राउंड फायर कर दिए। फायरिंग के बाद में पीड़ित युवक तुरंत स्कॉर्पियो लेकर के डीएसपी ऑफिस पहुंचा और पुलिस को मामले की जानकारी दी। ये पूरा घटनाक्रम नीमका थाना के गावड़ी मोड़ स्थित AVVNL कार्यालय के पास का है। पीड़ित युवक प्रदीप सैनी ने बताया कि उसका कपिल मीणा से जमीन का एग्रीमेंट हुआ था। उस जमीन का एग्रीमेंट कैंसिल करवाने के लिए कपिल मीणा का साथी कुलदीप मीणा से 4-5 महीने पहले धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद सदर थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। पुलिस ने उस समय कहा था कि पाबंद कर दिया गया है, अब कुछ नहीं होगा। आज वह गावड़ी बाईपास से गावड़ी मोड़ पर एक व्यक्ति को 8 लाख रुपए के चेक देने के लिए आ रहा है। तभी गावड़ी मोड़ से गावड़ी की तरफ जा रही थार गाड़ी ने पहले तो टक्कर मारी, उसके बाद पीछे से शीशे पर कुलदीप मीणा ने फायरिंग कर दी। थार गाड़ी में करीब 5 से 6 बदमाश सवार थे। फायरिंग करने वाले बदमाश मौके से फरार भी हो गए। वही सीधा गाड़ी लेकर के डीएसपी ऑफिस वह चला गया और सूचना पर कोतवाली पुलिस फायरिंग होने की जगह पर पहुंची। पुलिस ने घटना का जायजा लिया और अब जांच कर रही है। फिलहाल देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए इतना ही। बने रहिए न्यूज 19 के साथ। नमस्कार।